एंगल जो है हम लोग का ये डी डी भी निकल गया है ना, ए निकला, ई निकला, डी निकला, सी भी निकल गया और बी भी निकल गया। अब इसमें हो सकता है आपको इस पॉइंट पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं ना। ये जो है हम लोग का ऐसे कोई ई है, ये एंगल ई है हम लोग का, है ना, एंगल ई ए है। इसमें नॉर्थ ऐसा दिखाया हुआ है ऐसे, ठीक है। और ये जो है फोर बियरिंग इस लाइन का, ये लाइन का ये बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों को देखो कि इन दोनों को जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इन दोनों एंगल को जोड़ने से कुछ नहीं आ रहा था हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग वहां पे कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा था। तो अब हम लोग को ये ट्रिक काम किया कि इतना जो ये एंगल है, ये फोर बियरिंग है इसका, इसका इस लाइन का, ये लाइन का, तो उसमें से हम क्यों नहीं इस वैल्यू को घटा दें, तो हम ये बाहरी एंगल निकल जाएगा ना, है ना। इस पूरे में से अगर हम इतना इतना घटा दें, इतना ये चीज घटा दें, तो ये बचेगा ना, इतना सिर्फ ये इतना बचेगा। ये क्या है, ये एंगल ए का एक्सटीरियर पॉइंट है ना। तो ये जितना इतना घटाए हो, ये जो पॉइंट है ये घटाए हो, ये क्या था, ये नॉर्थ से इस लाइन का बियरिंग है। यहाँ पे आपका डी रहा होगा, यहाँ पे ई है, तो ईडी का बियरिंग है ना। ये नॉर्थ है और ये ईडी लाइन है, इसका बियरिंग है ये। ईडी का बियरिंग का मतलब डीई का बैक बियरिंग है ना। इसीलिए हम यहाँ पे ये लिखे थे, एक्सटीरियर एंगल ई इज इक्वल प्लस बैक बियरिंग ऑफ डी डी, है ना, बैक बियरिंग ऑफ डी, ये चीज है ना, ये चीज दिख रहा है ना, बैक बियरिंग ऑफ डी इज इक्वल टू फोर बियरिंग ऑफ ई ए। मतलब ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, और इसमें से ये जोड़ दिए, तो ये फोर बियरिंग हो गया, है ना। होप समझ में आया होगा आपको, नहीं तो एक बार खुद से लिख के देखना, है ना। तो क्योंकि कोई चीज है यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, तो थोड़ा सा तो होगा, दूरी है तो ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो और जूम करके दिखा देंगे, अगर नहीं दिक्कत होगा तो, ठीक है। एक बार खुद से भी करके देखना, तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब जो है सारा एंगल निकल चुका है, तो सारे एंगल का सम करेंगे, सिग्मा एंगल्स निकालेंगे। सिग्मा एंगल्स इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, दिखा दे रहा है, प्लस एंगल डी इज प्लस एंगल ई। तो ये देखो कितना आता है, ये एंगल एंगल ए नोट कीजिए, ये 59 डिग्री 30 मिनट है, 59 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल ई, एंगल बी कितना है ऊपर में देखो, 118 डिग्री 30 मिनट प्लस एंगल सी है 142 डिग्री 0 मिनट, एंगल डी है 134 डिग्री 34 डिग्री 30 मिनट, और एंगल ई है आपका 85 डिग्री 30 मिनट, 85 डिग्री 30 मिनट। अब इन सब का सम निकालिए तो कितना आता है, सबको जोड़ के बताओ तो कितना आ रहा है। कोई और जोड़ रहा है कोई, कितना आया, पूरा पूरी आ गया 540 डिग्री, 540 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली में, वो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सारे जो भी किसी भी कोई भी मतलब ये होता है पॉलीगॉन है ना, कोई भी पॉलीगॉन है, तो उसके सारे एंगल का सम होता है, सिग्मा एंगल्स इक्वल टू एक्चुअली में होता है 2n-4 × 90 डिग्री। ये पढ़े होंगे पहले भी आप लोग ज्योमेट्री में, 2n-4 × 90 डिग्री होता है। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड, है ना, पांच साइड है तो 5n की जगह पे 5 होगा, तो हमारे केस में यहाँ पे 5 साइड है, तो n की जगह पे 5 रखेंगे, 2 × 5-4 × 90 डिग्री,
है ना, ये कितना होगा, 5 × 10 माइनस 4 6, 6 6 × 90 तो 540 डिग्री है ना, इतना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, इतना होना चाहिए। अगर किसी, अगर ये, अगर इसमें टू, अगर ये ट्रायंगल होता तो इनके जगह पर कितना रखते, 3 रखते, 3 × 6 माइनस 4 2, 2 × 90 कितना होगा, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के सारे सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता भी है, तो ये हमेशा यूनिवर्सल है, सबके लिए होगा ये चीज। ठीक है, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला सबके लिए होता है। तो जो आप गिन लो कि कितना साइड था, 5 साइड है इसमें, तो 5 साइड है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे इसके लिए कितना होगा, 540। ठीक है, ये चीज हो गया। और एक यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारा जितना भी एंगल आया था उनका सम कितना हो रहा है, ये दोनों अगर मैच कर गया इसका मतलब कि हमारा जो जो भी कैलकुलेशन किए हैं ये चेक हेंस्ड चेक लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ था क्वेश्चन में यहाँ पे कि कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद लिखा हुआ था अप्लाई द नेसेसरी चेक। अगर ये बात लिखा हुआ है तो आपको ये भी करके दिखाना होगा जो चीज़ यहाँ करके दिखाया गया है। ठीक है, अब तब लिखिएगा कि नाउ इट इज चेक्ड। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो इसी तरह से करके सारा जो कोई भी आपको जो दिया हुआ रहेगा